हाय फ्रेंड्स, मधुबाला के इन दिनों बदले हुए हैं तेवर और वो कुछ चला रही है ऐसा चक्कर कि अब आर के खाने वाला है चक्कर। आजकल वो की बीवी बनने का फुल टू नाटक कर रही है। वो उसे बता रही है कि उसकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट शादी है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक वो आरके के 40 लाख रुपए वापस नहीं कर देती तब तक वो आरके की बीवी बनी रहेगी। तो अब वो अपने हक का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है और आरके का क्या हाल करने वाली है ये तो अब वक्त बताएगा। मगर आरके भी कुछ कम नहीं है, मधुबाला के चक्कर में वो ऐसा चक्कर चलाएगा कि मधुबाला भी शायद खुद घन चक्कर बन जाएगी। आरके घर पे एक पार्टी थ्रो करता है और पार्टी में वो डांस करता है मधुबाला के साथ और डांस है तो नो डाउट आइटम नंबर तो होगा ही। खैर, इस आइटम नंबर में दोनों धमाल मचाएंगे और आरके किसी तरह से मधु को करीब लाएगा और यू नो उसे किस करेगा। अब आरके की कहानी यही खत्म नहीं होती है, वो किसी तरह से अपने शोल्डर को हर्ट कर लेता है। अब इसके पीछे भी कुछ राज है। अब अपने शोल्डर को हर्ट करके वो मधुबाला से कहता है कि उसके चोट लगी है तो माय डियर प्रिय पत्नी, क्योंकि आप पत्नी हैं तो ये काम पत्नी को ही शोभा देता है, तो जरा मेरे चोट पर मरहम लगा दो। अब हम कुछ समय के बाद आरके को अपने सल्लू मियां के स्टाइल में बिना शर्ट के देखेंगे, वो भी बिस्तर पर। बिस्तर पर लेटकर वो मधुबाला से ऑइंटमेंट लगाने के लिए कहता है और मधुबाला उसके जख्म पर मरहम लगाती है। अब वो जैसे ही मरहम लगाने के बाद रूम से जाने लगती है तो आरके उसे रोकता है। आरके उसे कहता है कि वो कमरे से इस तरह से नहीं जा सकती। अब दोनों के बीच होती है गर्मा गर्म डायलॉग डिलीवरी जिसे आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ये आरके भी कमाल करता है, कमाल करने का ठेका आरके ने ही नहीं ले रखा है, कमाल हमारे श्याम बाबू भी खूब करते हैं भाई। किसी तरह से उन्होंने फंसा ही लिया ना अंजलि को अपने जाल में और लगे हाथों खुशी भी उसके जाल में फंस गई। इसीलिए तो खुशी ने अर्नव को बिना बताए शाम को अंजलि से मिलने के लिए बुला लिया। अब ये देखकर अर्नव को गुस्सा आना ही था, वो खुशी पर चिल्लाता है कि उसके बिना मर्जी के शाम घर के अंदर एंटर कैसे कर गया। अगर खुशी उसे समझाती है कि देखो ना अंजलि उसे देखकर कितनी खुश है, वो दवा भी खा रही है, खाना भी खा रही है। अर्नव ये देखकर कुछ शांत हो जाता है कि चलो ठीक है यार, लेट इट बी। वो शाम को वॉर्न करता है, माय डियर मैंने तुम्हें अंजलि की वजह से घर में एंट्री दी है, लेकिन याद रखना तुम्हें उठाकर फेंकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। खैर शाम इसे डरता या नहीं ये तो लेट्स सी। लेकिन अब शाम से ब्रेक लेके अर्नव खुशी की तरफ बढ़ता है क्योंकि खुशी नाराज है, उसे पता है वो उस पर चिल्लाया था। सो वो उसे मनाने के लिए निकलता है और अब आप देखेंगे दोनों के ये प्यार भरे पल पल जो पल पल बढ़ते जाएंगे। तो अब आप दीजिए मेरे सवालों के जवाब। तो बताइए आरके मधुबाला के चक्कर में फंसेगा या मधुबाला आरके के चक्कर में? तो अब ये भी बताइए कि अर्नव और खुशी के प्यार को क्या लग जाएगी किसी और की नजर? माई डियर मगर मेरी नजर से कोई भी खबर नहीं छूटी, यही तो है रूबी की खूबी। सो कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दिस वीडियो एंड लीव योर कमेंट बिकॉज यू नो वेरी वेल इट्स रूबी अनसेंसर्ड।